कोरोना के बीच गोल्फ लीग से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें, गोल्फ क्लब जयपुर में हो रहा है था यह आयोजन और एवन टीवी की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। आनंद फानन में आयोजकों ने लीग को किया रद्द, तमाम टीमों को भेजा गया आनंद फानन में मेल, आयोजन के रद्द किए जाने का किया गया मेल। गोल्फ लीग के आयोजनकर्ताओं में मचा हड़कंप, कई खिलाड़ियों ने कोरोना के बीच आयोजन पर उठाए थे सवाल, खिलाड़ियों की जान की परवाह नहीं किए जाने के लगाए थे आरोप। आयोजकों ने दी एवन टीवी को आयोजन रद्द करने की सूचना, क्या अब प्रशासन करेगा आयोजकों पर कार्रवाई, सवाल सबसे बड़ा है। तो चलिए इस वक्त हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार की गाइडलाइन की यहां पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही थी, सरकार ने साफ तौर पर कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आयोजक अपनी मनमानी पर अड़े रहे। देखिए बिल्कुल अमित, सबसे अहम बात तो ये है कि कोरोना अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, महामारी लगातार जारी है और वैश्विक महामारी है। ऐसे में पूरे देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी टूर्नामेंट का आयोजन हो रहे हैं, चाहे वो खेल खिलाड़ी से जुड़े हो या छोटे मैदानों से जुड़े, तमाम ऐसे खिलाड़ियों को या चाहे छोटे बच्चे से जुड़े हो, उनको किसी भी तरह के ऐसे आयोजन करने की परमिशन नहीं है। लेकिन बड़े हैरानी की बात है, यहाँ पर जो गोल्फ क्लब से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने कैसे इतने बड़े पैमाने पर एक ऐसे टूर्नामेंट को आयोजन इस टूर्नामेंट के आयोजन करने की परमिशन दे दी, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। यहाँ पर हमारे पास वो मेल की जो कॉपी भी है जिसको लेकर के यहाँ पर आदेश जारी किए थे कि आपको यहाँ पर आना है और इस खेल में भागीदारी निभानी है आपने, और इसी के चलते यहाँ पर 26 टीमें जो पहुंच गई थी और इसके अलावा 208 से ज्यादा जो पार्टिसिपेट जो खिलाड़ी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। खास बात यह है कि 208 ही नहीं, यहाँ पर करीब 400 से 500 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर भीड़ रहती, क्योंकि जो खिलाड़ियों के साथ में जो कैंडी मौजूद रहते हैं उनकी भी यहाँ पर संख्या रहती है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब धारा 144 लगाई गई है और उसके बाद इस तरह के खेल के आयोजन को स्वीकृति दे देना, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बिल्कुल यादवेंद्र, या पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से आपकी इस बारे में बात हुई है, क्यों नहीं दी गई पुलिस प्रशासन के अधिकार के लिए, किसी भी तरह के ऐसे आयोजन के लिए यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर परमिशन लेनी होती है। यहाँ पर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है, बावजूद इसके यहाँ पर गोल्फ क्लब से जुड़े जो तमाम जो पदाधिकारी थे उन्होंने इसका उल्लंघन किया। मगर जब हमने यहाँ पर तमाम जो गोल्फ क्लब के जुड़े जो पदाधिकारी थे उनसे बातचीत की, तो आनंद फानंद में उनको यहाँ पूरे जो पदाधिकारियों में यहाँ पर हड़कंप मच गया और उसके बाद उन्होंने तुरंत जो टीमें थी उनके जो मैनेजर थे उनको यहाँ पर तुरंत मेल किया गया और उनको कहा गया है कि इस टूर्नामेंट को रद्द किया जाता है, क्योंकि ऑफिशियली इसके लिए एक आदेश जारी करना होता है और यही आदेश था जो यहाँ पर गोल्ड कप के जो जुड़े पदाधिकारी थे उन्होंने अपना बचाव करते हुए यहाँ पर तुरंत मेल किया। बिल्कुल यादवेंद्र, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एवन टीवी की खबर का असर हुआ है, सबसे बड़ी बात क्या पुलिस प्रशासन अब इस मामले में अब कोई कार्रवाई करेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर यही एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि मेल की जो कॉपी है जो रद्द किया गया है, हमने सबसे पहले खबर दिखाई, उसके बाद हमारे पास इसकी जानकारी आई, हमने तमाम पदाधिकारियों से बातचीत करी, उसके बाद पूरे टूर्नामेंट को रद्द किया गया और उसकी कॉपी हमारे पास आई रद्द करने की, जिसको आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। तो एवन टीवी की खबर का यहाँ पर एक बड़ा असर हुआ है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो मैसेज गया है केवल राज्य नहीं पूरे देश के अंदर गया है कि परमिशन, बिना परमिशन के यहाँ पर इस खेल का आयोजन कैसे किया गया, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर एक उनके जो जान की यहाँ पर परवाह नहीं की गई और उनको यहाँ पर बुलाया गया, तो अपने आप में तमाम जो बिल्कुल यादवेंद्र एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ये हमें ताजा अपडेट दे रहे थे कि किस तरीके से ये गोल्फ लीग की शुरुआत हुई और जब एवन टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब आयोजकों के होश उड़ गए, आनंद फानंद में उन्होंने इस लीग को रद्द कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि वहां पर तकरीबन 400 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और सवाल यही उठता है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से किस तरीके से उनको यहां पर परमिशन मिली आयोजकों को, यह बड़ा भी सवाल है।